तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ गया है जवान लेके अपने गोला बारूद और साजो सामान, मचाने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, और जिसको थिएटर में देखकर आपके दिल को मिलेगा ढेर सारा आराम। तो 7 तारीख को साथ साथ सबने देख ली है जवान, और ये मूवी अपने रिलीज के पहले दिन मुझे लगता है एस्टिमेट 70 करोड़ तो कमा ही लेगी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर, जो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन माना जाएगा। इस मूवी को IMDb पर 8.6 की रेटिंग भी मिली है, और शायद मैं गलत नहीं हूंगा कि अगर मैं कहूं कि इस फिल्म को शाहरुख खान की अभी तक की सबसे कूलेस्ट फिल्म बताया जाएगा। तो भाई मैं ऐसा इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये फिल्म देख ली है, और इस फिल्म को देखने के बाद शाहरुख खान के लिए तो बस हैट्स ऑफ बनता है। और ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये फिल्म शाहरुख खान की अभी तक की वन ऑफ द कूलेस्ट मूवीज में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म में कमाल के डिफरेंट लुक्स ट्राई किए हैं जो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अपने वीडियो में फिल्म की कहानी बताकर मैं इस फिल्म का मजा आपके लिए किरकिरा नहीं करना चाहता, तो मेरा ये पूरा वीडियो विदाउट स्पॉयलर्स होगा। तो आप बेफिक्र होकर मेरे इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। एक दो दिन में एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपसे बात करूंगा इस फिल्म की कहानी के बारे में, पर आज इस वीडियो में बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा लगा मुझे इस फिल्म को देखने के बाद। तो अगर एक शब्द कहूं इस फिल्म के बारे में कि मेरी क्या फीलिंग थी इस फिल्म को लेकर, तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डायरेक्टर एटली कुमार से हमें ये सीखना चाहिए कि एक सिंपल सी कहानी को अपने स्क्रीन प्ले के जरिए आप कितना बेहतर दिखा सकते हैं, जो कि उन्होंने इस फिल्म में बखूबी किया है। साथ ही साथ विलन के तौर पर विजय सेतुपति बहुत ज्यादा डैशिंग, बहुत ही साइको और काफी खतरनाक दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ी शिकायत मुझे ये है फिल्म से कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीक्वेंस में अपने हीरो किंग खान की फाइट विजय सेतुपति यानी काली से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई जा सकती थी, पर फिर भी जितना क्लाइमेक्स दिखाया गया, जो एक्शंस दिखाए गए फिल्म में, वो सभी लाजवाब थे। फिल्म में सीनियर शाहरुख खान के एक्शन सीक्वेंसेस यानी विक्रम राठौर के एक्शन सीक्वेंसेस वाकई बाप लेवल के दिखाए गए हैं, और फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आप एक सुपर हीरो मूवी देख रहे हो, जिसमें फिल्म का हीरो अपने पिता के वेंजेंस को अपना हथियार बनाकर देश के दुश्मनों का सच देश के सामने ला रहा है। कैमियो के नाम पर फिल्म में संजय दत्त का कैमियो है, जो कहीं ना कहीं फिल्म की स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है, जो एंडिंग में आते आते आपको पता लग ही जाएगा, पर उसके लिए आपको फिल्म तो देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। फिल्म में जूनियर शाहरुख खान यानी आजाद राठौर का एक फीमेल गैंग भी है, जिसमें आपको प्रियामिनी, सान्या मल्होत्रा जैसे चेहरे दिखेंगे। साथ ही में साउथ की सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस नयनतारा का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। साथ ही साथ दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में देखकर हमको अच्छा लगता है। ओवरऑल मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स, और मेरे लिए ये फिल्म ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी टिकट बुक करनी है बुक करो, और ये फिल्म देखने जरूर जाओ, और शाहरुख खान के फैंस के लिए तो ये वर्थ वॉचिंग सिनेमा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।